गाइस ये है न्यू जलपाईगुड़ी का रेलवे स्टेशन, में आपको दिखाने वाला हूँ। ये बाहर का नज़ारा है। आपको बहुत सारे जो टैक्सी वगैरह मिल जाएगा यहाँ पे गैंगटॉक भी जाने के लिए और दार्जिलिंग भी जाने के लिए। सो दिस इज ऑल द आउटर व्यू। भैया यहाँ पे है, वो बोल रहे कि भैया कहाँ कहाँ से आपका सर्विस चलता है? यस सर, हम लोग का दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, डुवर्स और गैंगटॉक के लिए भी है। अच्छा, हर जगह गाड़ी मिलता है यहाँ से। सो गाइस, आप यहाँ पे बाहर आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा, शेयरिंग ऑटो भी मिलेगा और आप जो है बुकिंग करके भी जा सकते हैं। लेकिन एंड दिस इज़ व्हाट आवर व्हीकल नया स्टैंडिंग। तो ये हमारा बुक कार है तो दार्जिलिंग तक। सो गाइस, अब हम ऑलरेडी निकल चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी से और ये है रास्ता दार्जिलिंग के लिए। हमारे पास जो भैया है हमको जो छोड़ने के लिए आ रहे हैं, उनका नंबर मैं दे दूंगा। अगर आपको कभी आना है दार्जिलिंग को, उनको कॉन्टैक्ट कीजिए और आपको अच्छा सर्विस मिलेगा। चलिए मिलते हैं बीच में, कहाँ पे अगर अच्छा जगह है, पहाड़ इलाका है तो मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे। सुबह सुबह न्यू जलपाईगुड़ी से कार लेके स्टार्ट किए थे तो हम एक्चुअली ब्रेकफास्ट नहीं किए थे, इसलिए हम एक बीच में रुक गए। तो यहाँ पे कम से कम और 2 घंटा का रास्ता है। सो ये है कुछ ब्रेकफास्ट हम। सो गाइस, ये है बीच में दार्जिलिंग के रास्ते में हमने रुका कुछ नाश्ता करने के लिए। सो आई विल शो यू, दिस इज व्हाट चिकन फ्राइड राइस, चिकन मोमो एंड दिस इज चिकन फ्राइड राइस। सो लेट्स एंजॉय। सो गाइज, आप देख सकते हो हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग में और मैं अभी होटल रूम में है
तो मैं आपको मेरा होटल रूम दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहां से लिया है, मतलब कहां पे लिया है और इसका प्राइस क्या है, मैं सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए पहले होटल देखेंगे, होटल का रूम देखेंगे। तो मैंने आने के बाद थोड़ा फ्रेश हो गया, तो बहुत सारे जो चीज़ मेरा दिख रहा हुआ है यहाँ पे, रूम काफ़ी अच्छा है। मैं एक चीज़ अच्छा चीज़ आपको बताऊँगा, यहाँ पे एक्चुअली बहुत ठंडा हुआ है, मुझे लग रहा था कि मतलब यहाँ पे ठंड नहीं होगा बोल के, क्योंकि मैं जैकेट लेके आया था, आप देख सकते हो मेरे पीछे, मतलब मेरे नीचे जो कार्पेट लगा हुआ है, तो ये एक्चुअली आपको मार्बल से क्या करेगा, ठंड से बचाएगा। और ये आप देख सकते हो मेरा कैमरा यहाँ पे है और मोबाइल यहाँ पे है, तो आखिर हम बाहर निकालने वाले हैं। तो ये है डबल साइज बेड है, आप देख सकते हो, और नेहा जो है वीडियो बना रही है। तो ये एक वार्डरोब दे के रखा है, ओके, ये देख सकते हो आप सामान वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे एक छोटा वाला टेबल है और चार्जिंग के लिए आपको भी बहुत बढ़िया जो है केबल कनेक्शन यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा वाला टी पॉय है, तो आप यहाँ पे स्नैक्स वगैरह और टी के लिए मतलब इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक टीवी भी दे रखा है, लेकिन मैं टीवी यूज़ नहीं करता हूँ और आपको किसी को भी आजकल इतना ज़रूरत नहीं होता है, हर कोई मोबाइल में लगे रहते। और ख़ास बात यहाँ पे है कि मतलब वाईफाई दे रखा है कि जो कि एकदम मस्त काम करता है, बहुत बढ़िया स्पीड में चलता है। तो और एक खास चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पे दरवाज़ा ऑन करने के बाद, उससे पहले मैं आपको वॉशरूम भी दिखाऊँगा। आइए वॉशरूम देखिए, वॉशरूम अच्छा है। तो ये वॉशरूम में गीजर भी दे रखा है, वहाँ पे गर्म पानी आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दार्जिलिंग में ठंड रहता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए आपको गर्म पानी वहाँ पे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। भाई मैं आपको बाहर का एक नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ से, तो ये रूम में रहने का फ़ायदा कि अभी आपको दिखाऊँगा, बहुत ही शानदार व्यू मैं आपको दिखाऊँगा। तो आ जाइए, मैं आपको दिखाऊँगा कैसा दिखता है, आपको दिखाऊँगा। गाइस आप जो देख सकते हो ये है पीछे का जो टाइगर हिल है कंचनजंगा, ये एक्चुअली मॉल रोड का एकदम सेंटर वाली जगह में है। आप देख सकते हो नीचे मार्केट भी दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हो नीचे मार्केट दिख रहा है, बहुत ही प्यारा लगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जब खड़े हो जाओगे आप, मतलब आपका पीछे जो टाइगर हिल जो बर्फ़ का जो पहाड़ दिख रहा है वो देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए अभी हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, अभी हम आए थोड़ा रेस्ट करेंगे और कुछ खाएंगे। इसके बाद मैं KFC जाने वाला हूँ, वो सब वीडियो आपको बाद में मिलेगा। अब जो पीछे देख रहे हो गाइस, ये कंचनजंगा है, टाइगर हिल का जो पहाड़ है, ये एक्चुअली आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि हम इसको 4 बजे सुबह एक्सप्लोर करने वाले हैं।